15 दिसंबर पिछले 24 घंटा में उड़ीसा में सभी जगह में ड्राई वेदर ही था और सुंदरगढ़ कंधमाल कोरापुट जिला में एक तो जगह करके फॉग रिपोर्ट हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर लोअर साइड जो था फुलवानी में हमारा लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर था प्लेन्स में 8.5 डिग्री सेल्सियस, हिल स्टेशन जी उदयगिरी में था 7.5 डिग्री सेल्सियस, सिमलीगुड़ा 8.7 डिग्री सेल्सियस, कोरापुट 9.6 डिग्री सेल्सियस, दारिंगबरी 9.5 डिग्री सेल्सियस, हमारा एग्रीमेट फील्ड स्टेशन केरी में था 8.7 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ का राउरकेला में था 9.7 डिग्री सेल्सियस। बाकी इंटीरियर उड़ीसा का स्टेशन में मेनली 10 to 15 इस रेंज में टेम्परेचर था, कोस्टल उड़ीसा का स्टेशन में 13 to 16 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द स्टेशन में इस रेंज में था। भुवनेश्वर सिटी में मिनिमम टेम्परेचर आज हुआ है 15.3 डिग्री सेल्सियस, ये स्वाभाविक का आसपास ही है और मोस्ट ऑफ द स्टेशन में टेम्परेचर अभी स्वाभाविक का आसपास ही है मिनिमम टेम्परेचर। फोरकास्ट अभी हमारा जो है अगला 7 दिन ही सभी जगह में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है और मॉडरेट फॉग एक दो जगह करके हो सकते हैं इंडोनेशिया का डिस्ट्रिक्ट में मेनली सुंदरगढ़ कलाहंडी कंधमाल कोरापुट ये सब जिले के अंदर में झारसुगुड़ा और मिनिमम टेम्परेचर में अभी व नाइट टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का चांसेस नहीं है, प्लस माइनस 1-2 डिग्री का अंदर ही रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में मेनली क्लियर स्काई रहेगा, कल मिनिमम टेम्परेचर 15 के आसपास रहने का चांसेस है, अभी ये 15 के आसपास ही रहने का चांसेस है अगला 2-4 दिन में, मैक्सिमम टेम्परेचर आज 28 के आसपास रहेगा।